लाओस की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी, 21वें आसियान भारत समिट में लेंगे हिस्सा, प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। लाओस में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत, हाथ में भारत के झंडे लिए नजर आए लोग, पीएम ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया, ऑटोग्राफ दिए। पीएम मोदी ने बच्चों के से मिलकर की प्रार्थना, पीएम मोदी ने भी जोड़े हाथ, सभी ने गाया भारतीय मंत्र। के स्वागत में कलाकारों ने दी प्रस्तुति, पीएम मोदी ने कलाकारों का हौसला बढ़ाया, साथ खिंचवाई तस्वीर। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को याद किया गया, साथ ही रतन टाटा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पारित किया। सीएम बोले, भारत का रत्न हमसे बिछड़ गया। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी महाराष्ट्र सरकार, रतन टाटा को भारत रत्न दिलाने की मांग। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में एक दिन का राजकीय शोक, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर, मुंबई के बरली में शाम 4 बजे होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरबा कार्यक्रम के अंदर भेष बदलकर घुसने के दौरान पकड़ा गया मुस्लिम युवक, स्थानीय लोगों ने किया पुलिस के हवाले। एमपी के उज्जैन के गरबा पंडाल में पकड़ा गया एक मुस्लिम युवक, राहुल बनकर पंडाल में घुसा था फिरोज, तलाशी में मिला आपत्तिजनक सामान, आयोजकों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा। एमपी के इंदौर में हिंदू युवती के साथ गरबा खेलते मिला अमन उर्फ आमिर, हिंदू संगठन ने युवक को जमकर पीटा, मोबाइल में मिले कई हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील चैट। एमपी के इंदौर में हिंदू बनकर गरबे में घुसा मुस्लिम युवक, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा, सख्ती से पूछताछ करने पर अपना नाम असीम बताया। यूपी के झांसी में गरबा कार्यक्रम के दौरान बवाल, होस्ट के मुस्लिम होने के कारण नाराजगी सामने आई। यूपी के गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मूर्ति से पट्टी हटाए जाने के बाद हुई आतिशबाजी, बाजार में रखी प्रतिमा को लेकर हुआ विवाद। यूपी के सीतापुर में दुर्गा पूजा के दौरान एक नाबालिग की मौत, चक्कर आने की वजह से नाबालिग की बिगड़ी थी तबियत, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। देहरादून के एक रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने, कारीगर का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड के मसूरी में थूक डालकर चाय बनाने का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है टीम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम की, सुरक्षा बलों ने आईडी को डिफ्यूज किया। हाथरस मामले में बाबा भोले की पेशी, कड़ी सुरक्षा के बीच हजरतगंज में आयोग के ऑफिस में पहुंचे बाबा, सुरक्षा को देखते हुए सारी दुकानें बंद कराई गई। यूपी के मुरादाबाद में त्योहार को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, डीआईजी और एसएसपी की मौजूदगी में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के संभल में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दी चाकू घोंपने की धमकी, वाहन चेकिंग के दौरान बाइक का चालान काटने को लेकर हुआ था विवाद, धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में फौजी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, छुट्टी मनाने आया था फौजी। यूपी के बुलंदशहर में पकड़ा गया शराब तस्कर, झाड़ियों में छिपाता था शराब, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। और यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, स्नैचिंग की वारदात को दे रहे थे अंजाम, बदमाशों के पास से बाइक, मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद। तो चलिए अब बात
बात करते हैं मिडिल ईस्ट में पहले तनाव के बारे में। आतंक के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई जो गाजा से शुरू हुई थी, अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का रूप लेती जा रही है। और इधर इजराइल ईरान पर अटैक की पूरी तैयारी कर चुका है। एक तरफ जहां इजराइल ने हिजबुल्ला की कमर तोड़ी, तो वहीं अब ईरान पर अटैक की बारी है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बाइडेन और नेतन्याहू के बीच एक अहम फोन कॉल हुई है। आधे घंटे तक इसमें बातचीत हुई है और इसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इजराइल एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि घातक हमला होना जरूरी है। इजराइल पर हुए ईरानी अटैक का जवाब देने को लेकर इसमें रणनीति बनाई गई। कहा जा रहा है ईरान पर घातक हमले की एक रणनीति बनाई गई है, लेकिन इसका मिडिल ईस्ट पर क्या असर होगा, एक रिपोर्ट देखिए। ईरान के खात्मे का प्लान तैयार। होगा नेतन्याहू का अगला वार? अमेरिका होगा इजराइल का मददगार? ईरान के 180 रॉकेटों का जवाब देने के लिए इजराइल बेचैन है। ईरान का एक हमला तो जैसे इजराइल पर किसी कर्ज की तरह है, जिसे वो किसी भी हाल में उतारना चाहता है। हालांकि इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि वो अमेरिका से सलाह मशवरा करने के बाद ही ईरान पर हमला करेगा। तो क्या ईरान पर हमले की हरी झंडी अमेरिका ने इजराइल को दिखा दी है? क्या अब किसी भी पल ईरान पर बमों की बारिश होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बुधवार को इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका में एक फोन किया। फोन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को किया। इस बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रही। ये पूरी बातचीत करीब 50 मिनट तक चली। नसरल्लाह की मौत के बाद ही अचानक ईरान ने एक दिन इजराइल पर हमला बोला। इजराइल के सैन्य ठिकानों समेत कई इलाकों में रॉकेटों की बारिश की। इस रॉकेट हमले की आग तो अब बुझ गई, लेकिन नेतन्याहू के दिल में बदले की आग अभी भी धधक रही है। इजराइल ये बता देना चाहता है कि उस ईरान का खौफ रत्ती भर नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने भी साफ शब्दों में कह दिया, ईरान ने जो हमला किया था उसके विपरीत हमारा हमला घातक और आश्चर्यजनक होगा। वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ और कैसे। अब इजराइल की सेना ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है, लेकिन लेबनान की जमीन पर महाविनाश जारी है। एक तरफ मिसाइल और रॉकेट आसमान से हिजबुल्लाह के घर को तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के आतंकियों को नेतन्याहू की ब्रिगेड जहन्नुम पहुंचा रही है। इजराइल के प्रचंड वार से हिजबुल्लाह तबाह हो गया। चीफ से लेकर कई सीनियर कमांडर ढेर हो गए। लिहाजा इजराइल की मार से करा रहे हिजबुल्लाह ने अब लेबनान में युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने का खामियाजा भुगत रहे हैं और शायद ईरान को भी यह खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ेगा। इंतजार है तो बस अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का। रिपब्लिक भारत। और क्या ईरान पर एक पलटवार इजराइल का हमला तय है? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू में फोन पर बात हुई है। इन दोनों ही नेताओं ने बात की है।
तकरीबन 30 मिनट तक ये बातचीत चली है, एक फोन कॉल जो आधे घंटे चला। ईरान पर पलटवार को लेकर इसमें रणनीति पर चर्चा हुई है, क्या हमला होना चाहिए, कैसे हमला होना चाहिए। बातचीत में सीज फायर का कोई जिक्र नहीं है, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हिजबुल्ला ने सीज फायर की मांग की, लेकिन इस बातचीत में सीज फायर की कोई बात नहीं हुई। इसराइल ने पलटवार की जानकारी अमेरिका को दी है, यह कहा जा रहा है कि इसराइल अमेरिका को बताकर यह पलटवार करना चाहता है और इसीलिए यह आधे घंटे की बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है। हमास के सफाई के बाद इजरायली सेना ने लेबनान का रुख किया। जमीन से लेकर आसमानी अटैक के जरिए इजरायली सेना IDF ने न सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बिल से बाहर निकाला, बल्कि एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को उसके बंकर में ही ढेर कर दिया। उसके उत्तराधिकारियों तक को मिटा दिया गया। अब इजरायली प्लानिंग और नेतन्याहू का संदेश साफ है, जो भी रास्ते में आएगा IDF उसे निपटाएगा। तस्वीरें इसकी गवाही देती रही हैं, चाहे हुती की हिमाकत हो या ईरान का विद्रोह। हिजबुल्लाह के सरगना हसन सैयद नसरल्लाह को ढेर करने के बाद IDF अब लेबनान में घुस चुकी है। सुरंग के साथ मिल रहे हथियारों के जखीरे से साफ है कि वो भी किसी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन ये लड़ाई ऑपरेशन ग्राउंड के बाहर भी चल रही है, जिसकी प्लानिंग ईरान ने की है। महायुद्ध के बीच ईरान ने एक चाल चली है, वो इसराइलियों को नेतन्याहू के खिलाफ भड़का रहा है, इसराइली आबादी के एक हिस्से को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ואתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הם לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים. הרציפות נשמרת, אף מטוס לא נפגע ואף חייל לא נפגע ואף אזרח לא נפגע. דיוק בנקוד. अपने तमाम विरोधियों की तमाम कोशिश के बावजूद नेतन्याहू का संदेश साफ है, जो रास्ते में आएगा उसे अंजाम भुगतना होगा। यही वजह है कि इजरायली सेना IDF ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल की ओर से लेबनान पर बारूदों की बारिश की जा रही है। हालांकि दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी थम नहीं रहा है, वो भी इजराइल के उत्तरी इलाके में रॉकेट दाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।